जनपद संभल के चंदोसी में देनदारे टप्पेबाज महिलाओं द्वारा ज्वेलरी लूटकांड का हुआ खुलासा। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने किया अनावरण। जनपद संभल के चंदोसी में दिनांक 15 जून को सराफा बाजार स्थित ज्वेलर्स की दुकान से ज्वेलरी खरीद कर ले जाते वक्त रास्ते में कुछ अज्ञात महिलाओं द्वारा देनदारे टप्पेबाजी कर महिला के बैग से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के गहने लूट कर ले जाने का मुकदमा महिला के पति प्रदीप कुमार पुत्र गोपाल निवासी रामनवमी मोहल्ला द्वारा कोतवाली चंदोसी में दर्ज कराया गया था। देनदारे घटित इस घटना से पुलिस विभाग सन्न रह गया। शहर कोतवाल धीरवेंद्र शर्मा ने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इस पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने उक्त लूटकांड को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल क्षेत्र अधिकारी गोपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में SOG व सिविल पुलिस के साथ एक टीम का गठन कर जल्द खुलासा करने के आदेश पारित किए। इसी परिप्रेक्ष में आज कोतवाली पुलिस ने सिम्मी पत्नी दानिश निवासी कटगढ़ जिला मुरादाबाद तथा गुलपसा पत्नी निक्की उर्फ राहुल निवासी मंजोला जनपद मुरादाबाद को धर दबोचा। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 4 चैन जिसमें एक पीली धातु व 3 चैन पीली सफेद धातु तथा 2 अंगूठी उसमें एक पीली धातु एक पीली सफेद धातु बरामद किए गए। पकड़ी गई अभियुक्तों ने बताया कि हम 4-5 महिलाओं की गैंग है, इसी तरह लूटपाट का काम करती हैं, जिसमें नजमा पत्नी वजीर थाना मुगलपुरा मुरादाबाद तथा रेशमा पत्नी निक्कू मंजोला जनपद मुरादाबाद तथा एक अन्य महिला जिसे नजमा लेकर गई थी, हम सभी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की पकड़ से दूर अन्य महिलाओं की धरपकड़ जारी है। करीब 15 दिन पहले थाना चंदोसी के अंतर्गत बीच बाजार में से ये एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें ज्वेलरी की शॉप पर शॉपिंग करके बाहर निकली कुछ महिलाओं के साथ में बुर्का पहने हुए 2 या 3 महिलाओं ने उनके साथ में टप्पेबाजी और छिनैती की घटना को अंजाम दिया और उनके जो जेवरात थे उनको वो लेकर भाग गई थी। इसके बारे में हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा अलीगढ़, मुरादाबाद और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी व बरामदगी की कार्रवाई की गई। इसमें आज हमारे द्वारा हमारी टीम जिसमें SOG और थाना चंदौसी की पुलिस शामिल है, इनके द्वारा 2 महिलाएं जिनका नाम है सिम्मी, ये थाना कटघर की रहने वाली हैं, और गुलपसा, ये थाना मझोला मुरादाबाद की रहने वाली हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके पास से कुल 4 चेन व 2 अंगूठी बरामद की गई हैं। इन दोनों महिलाओं से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा और भी कई स्थानों पर इस तरह की टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इनके अभी अन्य सभी मामलों की जानकारी कर इसके गैंग में अभी 2 महिलाएं जो और शामिल हैं, फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और गिरफ्तारी के पश्चात उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसमें इन दोनों महिलाओं को व जो सामान है इसको आज माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। इनमें से एक महिला गुलपसा, जिसका पति वो भी इस घटना में नामित किया गया है और अब उसका नाम भी प्रकाश में आया है, उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है। उसकी जानकारी की जा रही है, जो अभी पूछताछ में पता चला है तो इनके द्वारा मुरादाबाद में और दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ये इसमें कुल 4 महिलाएं अभी इस समय सक्रिय हैं और उसके साथ में एक पुरुष का नाम आ रहा है अभी सामने। 2 महिलाएं गिरफ्तार हैं, 2 महिलाएं और एक पुरुष अभी गिरफ्तार होने बाकी हैं। वो ऐसा इन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है और इसकी जांच कराई जाएगी।